जनविचार मंच के तत्वाधान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। ट्रंप के भारत आगमन का विरोध करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सचिव कॉमरेड गोपी किशन, समाजवादी चिंतक सोहन मेहता, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आगमन भारत के हित में नहीं है, क्योंकि ट्रंप अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना निजी मित्र बताते हैं, जबकि वो भारत के हर मामले में नीचा दिखाते हुए भारत के साथ भेदभाव कर रहे हैं। पहले उन्होंने जलवायु परिवर्तन की आड़ में भारत को मिलने वाले अरबों रुपए को रोका, भारत के निर्यात पर विभिन्न तरह के अड़ंगे लगाए, भारतीयों के लिए वीजा के नियमों को बेवजह कड़ा करते हुए परेशान किया गया। गेट के यूनियन मैदान में भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जन विचार मंच के माध्यम से आज हमने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया है। हमारा विरोध है कि अमेरिकी साम्राज्यवादी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ में हमेशा धोखा किया है। वर्तमान समय में विकासशील देशों की सूची से भारत को अलग करना, आर्थिक आतंकवाद पैदा करना और तालिबान से दोस्ती करके पाकिस्तान और भारत के बीच में अपना एक युद्ध करने का मैदान तैयार करना और अपने हथियारों को बेचना, इससे साबित है कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि विकासशील देश जितने भी हैं वो सब बर्बादी के। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा लगातार चौथे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्री मीरा नगरी में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, साथ ही बरसों से गुमटी रखकर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनकी गुमटी हटाई गई। बता दें कि कुछ लोग अतिक्रमण कर आमजन को परेशान कर रहे हैं। बहरहाल अतिक्रमण अभियान तो जारी है, पर जैसे जैसे अतिक्रमण हटाया जाता है, अतिक्रमण दस्ते के जाने के बाद पुनः आक्रमणकारी अपने अपने जगह पर कब्जा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अपने दूसरे बजट में भी पंचायत सहायकों के लिए किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की। इसको लेकर आज समस्त जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर जिला मुख्यालय पर भी पंचायत सहायकों ने ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि पंचायत सहायकों के कार्यकाल अवधि बढ़ाने के आदेश जारी करते हुए नियमितीकरण किया जाए। पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया चयन से वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षकों के लिए 6,000 पद बढ़ाकर रोजगार उपलब्ध करवाए जाए। सर्वोच्च न्यायालय में अटकी विद्यालय सहायक भर्ती की पैरवी कर स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को चेतावनी के रूप में एक ज्ञापन सौंपा गया है कि समय रहते हमारी जायज मांग को पूरा किया जाए, स्थायीकरण किया जाए। पंचायत सहायक संघ नाराज है कि द्वितीय बजट में जो निराशा इस संघ को हुई है, बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब हमारी वेतन वृद्धि करेंगे, स्थायीकरण करेंगे। हमारे लिए जो कमेटी गठित की गई है वो एक समय निकाल रही है, टाइम पास कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि समय रहते हमारी जायज मांग को पूरा किया जाए। 2007 से अल्प मानदेय से विद्यार्थी मित्र एवं गत 3 साल से ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम राजस्थान सरकार से बजट सत्र में नियमितीकरण एवं वेतन वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन हमें निराशा मिली है। बारी बारी से सरकारों से हमें केवल आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं। यदि अभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव एवं आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों की लोगों को जानकारी के लिए निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम जन से मदद लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शहर में तथा आसपास के क्षेत्रों में कैनोपी लगाकर यातायात के नियमों के बारे में और सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कैनोपी का उद्घाटन सांसद सीपी जोशी, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, एडीएम मुकेश कलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि सड़क सुरक्षा के बारे में हर व्यक्ति को जागरूक हो तथा सड़क सुरक्षा का पालन हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। जागरूकता के अभियान अधिक से अधिक चलने चाहिए ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी हो। माननीय उच्च न्यायालय, राज्य सरकार,
पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस प्रशासन सभी लोग सभी स्तर पर गंभीर हैं। इसको लेके दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि पुलिस सख्ती बढ़ते हैं, उसमें मैंने ये पाया।